तो गाइस आईपीएल 2021 ऑक्शन अब खत्म हो चुका है एंड सभी टीमों का स्क्वाड हमारे सामने आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपको आईपीएल 2021 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की फुल स्क्वाड बताऊंगा। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की स्क्वाड में सबसे पहला नाम आता है ग्लेन मैक्सवेल का। इनको बैंगलोर ने 14 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। इसके बाद सचिन बेबी, रजत पटीदार, मोहम्मद अजहरुद्दीन, काइल जेमिसन, इनको 15 करोड़ में खरीदा है बैंगलोर ने। देन डैनियल क्रिश्चियन, सुयश प्रभु देसाई एंड के एस भारत। तो गाइज ये सभी प्लेयर्स को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने आईपीएल 2021 के ऑक्शन में खरीदा है। इसके बाद बैंगलोर के स्क्वाड में अगला नाम आता है उनके कप्तान विराट कोहली का। देन मोहम्मद सिराज, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में इन्होंने हम सबको इम्प्रेस किया है एंड होपफुली इनका जो फॉर्म है उसको ये आईपीएल में भी कंटिन्यू करेंगे। देन जॉस फिलिपी, आरसीबी के हेड कोच साइमन कैटिच ने बोला है कि वो इस बार जॉस फिलिपी पे भरोसा दिखाने वाले हैं, और अगर ऐसा आरसीबी करता है आई एम श्योर ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा, बिकॉज बिग बैश लीग में भी जॉस फिलिपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। और सिर्फ बिग बैश लीग में ही नहीं, पिछला कुछ साल अगर आप देखो जॉस फिलिपी का तो वो बहुत अच्छा गया। सो आई होप कि आरसीबी इनको मौका देगा। अगला नाम आता है एवी डिविलियर्स का, मेरे फेवरेट ओवरसीज प्लेयर, और सिर्फ मेरे ही नहीं आई एम श्योर आप में से भी बहुतों के फेवरेट ओवरसीज प्लेयर होंगे। देन डैनियल सैम्स, अगर आप इस चैनल पे एक्टिव हो देन आपको पता होगा कि इनको दिल्ली कैपिटल से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने ट्रेड किया है। देन सहबाज अहमद, युजवेंद्र चहल जो इस टीम के मेन बॉलर हैं आप कह सकते हो, जब भी आरसीबी को विकेट चाहिए होता है विराट कोहली यूजी को ही बॉल देते हैं और यूजी हमेशा विकेट भी निकालते हैं, तो इन पे तो बहुत ज़्यादा निगाह होने वाली है फोर से और आईपीएल 2021 में भी। देन नवदीप सैनी, इनसे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था आईपीएल 2020 में, लेकिन ये मेरे एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतर पाए थे। होपफुली इस साल ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, लास्ट सीजन खराब परफॉर्म नहीं किया था, अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार आई एम श्योर ये अपने परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इंप्रूव करेंगे और ये साल और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। देन देवदत्त पड़िक्कल, इनसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वो उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर देंगे। पिछले सीजन के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर इनको अवार्ड मिला था पिछले आईपीएल में, कमाल के प्लेयर हैं एंड फोर श्योर इन पे भी बहुत ज़्यादा निगाहें होंगी। देन पवन देशपांडे, देन वाशिंगटन सुंदर, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सबको इम्प्रेस किया। इसके बाद अब ये इंग्लैंड के अगेंस्ट भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इन पे भी सबकी निगाहें होने वाली है। आप कह सकते हो आईपीएल 2020 में ये आरसीबी के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे एंड विराट कोहली इनका बहुत सही यूज करते हैं, इनिशियल्स ओवर कराते हैं, स्टार्टिंग के ओवर स्पिनर पावर प्ले में गेंदबाजी कराए हम बहुत कम देखते हैं, लेकिन ये वो काम करते हैं और अच्छा भी करते हैं, इन पे भी बहुत ज़्यादा निगाहें होंगी। देन हर्षल पटेल, इनको भी दिल्ली कैपिटल से ट्रेड किया था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। देन एडम जैम्पा, यूजी चहल और एडम जैम्पा, एक कमाल का कॉम्बिनेशन है बैंगलोर के पास एंड होपफुली बैंगलोर इसका सही से यूज करेगा आईपीएल 2021 में। इसके बाद इस टीम के आखिरी खिलाड़ी हैं केन रिचर्डसन। पिछले साल भी ये बैंगलोर के स्क्वाड में थे लेकिन इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था आईपीएल 2020 शुरू होने के पहले। इंजरी उसका रीज़न नहीं था, कुछ पर्सनल रीज़न था, अपने फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ के लिए इन्होंने आईपीएल 2020 को मिस किया था और इनको एडम जैम्पा से रिप्लेस किया गया था, लेकिन आईपीएल 2021 में बैंगलोर की टीम ने एडम जैम्पा एंड केन रिचर्डसन दोनों को रिटेन कर लिया है और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा डिसीजन है बिकॉज केन रिचर्डसन अच्छे गेंदबाज है। तो गाइस ये है आईपीएल 2021 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की स्क्वाड। अब अगर आपको अदर 7 टीम्स का स्क्वाड जानना है देन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख सकते हो अदर टीम्स के स्क्वाड का वीडियो। अभी के लिए बस यही थे वीडियो, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और आपको कुछ नहीं करना बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।